भारत माता के आजकल बोलने का पूरा दौर चला हुआ है और उस दौर में कहना भी वो ठीक काम नहीं कर रहा। दीपक जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारी इस हरियाणा की मिट्टी से उठ करके दुनिया में भारत का तिरंगा फहराने का काम किया है, ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी आज यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंदर मुकाम हासिल करते हुए चाहे अर्जुन अवार्ड से सुशोभित हो, द्रोणाचार्य अवार्ड से सुशोभित हो या भीम अवार्ड से सुशोभित हो, खिलाड़ियों ने हरियाणा के नाम को तो ऊंचा किया है परंतु भारत के तिरंगे का भी दुनिया में सम्मान बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर के ऊपर हमारे हरियाणा के लोकसभा चुनाव के प्रभारी, राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री पूनिया जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक दीपक हुड्डा जी और स्वीटी हुड्डा जी, जब मैं देखता हूँ उनका एक ही ध्येय है कि कैसे नीचे से युवाओं को एक मंच प्रदान करके उनको आगे बढ़ाया जाए और उसको लेकर के दीपक हुड्डा जी दिन रात युवाओं को खेलों के अंदर शामिल करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम वो करते रहते हैं। मंच पर विराजमान बबीता भोगट जी, रामवीर खोखर जी, रामवीर सिंह जी, दीपक पूनिया जी, मनोज कुमार जी, पूजा कादियान जी, जयंती पाठक जी, कविता गोयल जी और सभी हमारे यहाँ उपस्थित खिलाड़ी, सभी को मैं राम राम करता हूँ। आप सबको धन्यवाद भी करता हूँ, दीपक जी को बधाई देता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम सभी खिलाड़ियों से मिलने का हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कार्य दीपक जी ने किया है और ये समय समय के ऊपर इस प्रकार के कार्य भी ये करते रहते हैं। मैं जब देखता हूँ, पीछे भी कुछ रोज पहले दीपक जी से बात हो रही थी और इन्होंने मुझे बताया कि हर गांव के अंदर जा करके युवाओं को इकट्ठा करके उनको वहां पर तैयार करना और उनको उससे संबंधित किट वगैरह भी ये उपलब्ध कराते हैं ताकि युवा हमारा जिसके अंदर एक जज्बा है कि मैंने आगे बढ़ना है, वो युवा मेहनत के बल के ऊपर आगे बढ़ जाए। आज हमें इस बात की ये खुशी भी है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार की खिलाड़ियों के लिए नीतियाँ बनी है, अगर चाहे हम केंद्र की बात करें खेलो इंडिया और उसका जो खेलो इंडिया के गेम हुए हैं, अब की बार वो हरियाणा के अंदर ही हुए हैं। हमारे सब जो खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं, ज़्यादा खिलाड़ियों में उस खेलो इंडिया के अंदर हिस्सेदारी मिली होगी ताकि युवाओं को ऐसा मंच कि यहाँ से प्यार करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा के अंदर
जो हमारी खेल नीति बनी है उस खेल नीति का भी इतना प्रभाव पड़ा है कि जितने गोल्ड मेडल, रजत पदक या कांस्य पदक पूरा देश जीत करके लेकर के आता है उसमें से 50% हमारे हरियाणा के युवा खिलाड़ी लेकर के आते हैं। मैं सभी को इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम वो जारी है। जब मैं हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से खेल नर्सरियों को बढ़ावा दिया है, स्कूलों के अंदर खेल नर्सरियां ताकि जीरो ग्राउंड से खिलाड़ियों को उनको तैयार करके आगे बढ़ाने का वो निरंतर क्रम जारी है और खिलाड़ियों को समय समय के ऊपर सरकार उनको सहयोग भी करती है। जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक उसी गेमों में हिस्सा लेते हैं, जो हिस्सेदारी भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी सरकार सहयोग करने का काम करती है। और मुझे इस बात की ये खुशी भी है कि हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी इतना आगे वो बढ़ रहे हैं इसके पीछे सरकार की एक बड़ी जो सपोर्टिंग मोड उनको देते हैं वो एक बड़ा उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं तो सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी दे करके उनको सम्मानित करने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। चाहे वो कांस्य पदक अगर लेकर के आते हैं तो 4.5 करोड़ रुपया उनको सम्मान देने का काम भी सरकार, चाहे रजत पदक लेकर के आते हैं उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम, ताकि और जो खिलाड़ी हमारे हैं वो मेहनत से आगे बढ़ सके और अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम वो विश्व स्तर के ऊपर वो ऊंचा करें। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जो ओलंपिक्स गेम है अब की बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर जो ओलंपिक्स गेम है वो भारत के अंदर होंगे, भारत तो उसके अंदर होस्ट की भूमिका में वो रहेगा। और हम सब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों को ज़्यादा उसके अंदर हिस्सेदारी करने का समय भी मिलेगा। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आदरणीय पूनिया जी ने कुछ समय कहे थे कि कुछ समस्याएं आपकी हैं और बबीता भगवत जी भी इस बात की चर्चा कर रही थी और दीपक हुड्डा जी ने, जब मैं दीपक जी के घर पे गया था तब भी मेरे से इस बात की उन्होंने चर्चा की थी कि खिलाड़ियों की कोई समस्याएं हैं ये 4 दिन के बाद जो भी समस्याएं आपकी होंगी उनको अधिकारियों के साथ बैठ करके जो मौके के ऊपर उनका समाधान करने का है मौके पे समाधान होगा और जो बाद की होगी कोई पॉलिसी मैटर होगा तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम ये सरकार के द्वारा किया जाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा में जब हमारे खिलाड़ी इतने जबरदस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ हरियाणा के अंदर राई के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी, ताकि हमारे युवाओं को और ज़्यादा वहाँ पर अच्छा उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग वहाँ पर हो सके, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे सोनीपत राई के अंदर भी बनाने का काम इस सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ी जब कहीं ना जाकर के गेम्स के अंदर, ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक्स के अंदर जब वो हिस्सेदारी लेते हैं, जब वो भारत का नाम ऊंचा करते हैं तो उनको सरकारी नौकरियों के अंदर भी उचित प्रतिनिधित्व देने का काम ये हरियाणा की सरकार करती है, ताकि खिलाड़ियों को उनको सम्मान से वो आगे बढ़ सके और हमारे प्रदेश का और देश का
दुनिया के अंदर इस तिरंगे का सम्मान कर सके। मैं दीपक जी को आज इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि समय का भी अभाव है। मैंने श्रीष पुनिया जी से ये आग्रह किया था कि आपने खिलाड़ियों के बीच में रहना है, मेरे कई कार्यक्रम है, क्योंकि मैं भी स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अभी तक क्षेत्र के अंदर भी नहीं गया। और मैं सोच रहा था 3 दिन का समय शेष बचा है, ये 2-3 दिन लास्ट के क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में जा करके कहीं ना कहीं वोट की अपील कर ले, तो मैं सीधा ही वहीं पर जाने के लिए मैंने श्रीष पुनिया जी से कहा कि आपसे बाद में रह करके पूरी बात आप लोगों से आदरणीय श्रीष पुनिया जी करेंगे। मैं तो आप सबको और दीपक जी, दीपक हुड्डा जी को और स्वीटी हुड्डा जी को, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है और इतने हमारे खिलाड़ी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम ये दीपक हुड्डा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए आप सबको तो बधाई है। आप यहाँ पधारे हैं, मैं दीपक हुड्डा जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आगे और दीपक जी को भी मैं बोलूँगी कि उनके मान सम्मान में जो उनको प्रतिमा हमने मंगवाई है वो देकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी, यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, बड़े अपने मुखारबंद से भगवान के दर्शक साथियों को खिलाड़ियों को उद्बोधन किया। अब मान सम्मान मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश यशस्वी श्री नायब सिंह जी सैनी का बजरंग जी हनुमान जी की प्रतिमा ने सम्मानित किया, ज्यादा ताकत का प्रतीक है, जोरदार तालियों से स्वागत है। दीपक तिवारी होना स्वीटी होना से हमारे बीच में आती है डॉक्टर सतीश जी पुनिया, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और लोकसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश, उनका सतीश जी ने सम्मानित किया आदरणीय दीपक तिवारी होना और स्वीटी होना स्वागत करना अभिवादन करवा डॉक्टर सतीश जी पुनिया को सम्मानित कर रहे हैं। अब बिल्कुल